Hello guys, I'm back with a new video only on my new YouTube channel. आज का वीडियो जितना इंटरेस्टिंग होने वाला है उतना ही इन्फॉर्मेटिव है, सो बिना स्किप किए ये वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस इन पौंडीचेरी, श्री मनकुला विनायकर टेम्पल। इफ यू सर्च टॉप 5 विजिटिंग प्लेस इन पौंडीचेरी, this is the first or second one. This temple was in existence before the French came and settled in Pondicherry, approx year of 1666. Shastra ke hisab se Lord Ganesha ji ka 16 types of name hai based on his various format, out which this god facing the east coast near Bay of Bengal, it has been named as Bhuvaneshwara Ganapati, now called as Manakula Vinayagar. Unfortunately, मैं देख रहा हूँ कि ये temple का दरवाज़ा अभी बंद है afternoon पे, तो ये लोग बोल रहे हैं कि शाम के time पे आना होगा, तो अभी बंद है। तो ठीक है, बाकी का चीज़ दिखाते हुए आसपास का, जब खुलेगा शाम को तब फिर से मैं वापस आ रहा हूँ ये ब्लॉग के साथ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एग्जैक्टली टेम्पल के गेट के पास, ये एलिफेंट के नाम है लक्ष्मी। 10 साल की उम्र में ये लक्ष्मी यहाँ पे आए थे, उसी टाइम से वो ये टेम्पल पे रहती थी। अभी एक पुराना क्लिपिंग्स आपको दिखाती हूँ, एग्जैक्टली ये गेट के पास लक्ष्मी ऐसे ही खड़े होके लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करती थी। लोग उनको प्यार से खाना देती थी और वो लोगों को आशीर्वाद करता था। लोग भी उनको इतना प्यार करते थे, जो लोग ये मनकुला विनायकर टेम्पल विजिट करने के लिए आते थे उनका मेन अट्रैक्शन था ये लक्ष्मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 में उनका डेथ हो गया है, उसी टाइम से सब लोग लक्ष्मी को इतना मिस कर रहे हैं, तो इसलिए उसी जगह पे लक्ष्मी का पिक्चर रखा हुआ है गेट के पास। चलिए अभी शाम हो गया है, मंदिर का मेन गेट भी ओपन हो गया है, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या अवेलेबल है। नया कार्स बाइक्स यहाँ पे खड़े हैं मंदिर पे पूजा कराने के लिए। मंदिर में घुसने के पहले सोचा आसपास में क्या अवेलेबल है थोड़ा सो दिखा दूँ आप लोगों को। ये अम्मा यहाँ पे फ्लावर सेल कर रहे हैं, देखिए इनका टेक्निक, हाथ पे कैसे मेजरमेंट करके लोगों को सेल कर रहे हैं। मंदिर में घुसने के पहले एग्जैक्टली राइट साइड पे दो ऐसे शॉप है जहाँ पे इतना अच्छा कलेक्शन है, मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। आप लोग जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा कुछ कलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। इतना सारा आइडल्स जो मूर्तियाँ बोलते हैं, सिर्फ गणेश जी का नहीं बाकी सारे गॉड्स का भी यहाँ पे आइडल है। देखिए वॉल हैंगिंग, कितना कलरफुल वॉल हैंगिंग यहाँ पे है। चलिए दुकान के अंदर जाके भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा पोर्शन सबसे आपको अच्छा लगा। अभी मंदिर के आसपास के चीज़ ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा दिया, चलिए अभी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे सारा पूजा का सामान बिक रहे हैं, लोटस फ्लावर्स, जो लोग पूजा देने वाले हैं अंदर जाके वो लोग पूजा का सामान यहाँ से खरीद रहा है। ये टेम्पल में सिर्फ लोकल लोग नहीं, जो लोग नॉर्थ इंडिया से भी आते हैं वो लोग भी आके यहाँ पे एक बार पूजा देते ही हैं। ये जो साउथ इंडिया का टेम्पल है इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर इतना बढ़िया है, हर एक कॉर्नर से देखिए इनका जो डिजाइन है सचमुच देखने के लायक है। अंदर देखिए ये जो वॉल है, जो सीलिंग है, हर जगह पे गणेश जी का ही पिक्चर लगा हुआ है और पिक्चर में ये एक्सप्लेन किया है उनके लाइफ का छोटा छोटा हिस्ट्री।
अभी शाम हो गया है, शाम के टाइम पे प्रदीप जल रहा है, लोग यहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं, लोगों का भक्ति देखिए कैसे पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं डिसाइड किया शाम को ये ब्लॉग बना लूं, क्योंकि शाम के टाइम पे ये मंदिर लाइटिंग के साथ और भी अच्छे दिखने लगते हैं। एग्जैक्टली गेट के पास देखिए जूता रखने का ये जगह है, आप यहाँ पे चप्पल रख के गेट के अंदर घुस सकते हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, अभी सारे के सारे लोग अंदर जा रहे हैं पूजा देने के लिए। अब भी आइए मेरे साथ, देखते अंदर और क्या देखने की चीज़ है। टेंपल के अंदर का डिज़ाइन और भी बढ़िया है, सीलिंग से लेके हर एक वॉल पूरा गोल्डन है। टेंपल के अंदर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिएगा। जैसे बाहर भी आपको बताया था कि सचमुच साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है टेंपल का, ये देखने के लायक है। अब देखिए यहाँ पर भी वॉल पे गणेश जी का कितने वैरायटी का डिज़ाइन है, और लोग एक घंटे से लाइन पे खड़ा है पूजा देने के लिए। इतना बड़ा लाइन आप देख सकते हैं। बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, उसके बावजूद भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि जब ये टेंपल विजिट करेंगे तो आपको क्या क्या अंदर देखने को मिलेगा, क्या क्या करने का है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरा ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे से जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। और मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने के लिए, और भी अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोगों का अगर कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कौन सा एरिया का पिक्चर, कौन सा एरिया का वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।